पहले तो आपके जो प्रश्न के मुताबिक मेरा नाम बापिर मेघो है। मैं इस सोलंग फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमिटी ईटानगर कैपिटल रीजन 2022 का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अल्तर है हमारे सोलंग। आज यह ताकुताबात हुआ है, जिसको कि हम इनॉग्रेशन के तौर पर मान सकते हैं। सोलंग का इनॉग्रेशन यहाँ से हुआ है। ये अल्तर बहुत सेक्रेट, बहुत ये हमारा पूजा करने का जगह है। तो हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट ने आज यहाँ ताकुताबात किया, इनॉग्रेशन किया। ये एक्चुअली यहाँ प्रेयर इसलिए किया गया है कि हमारे जो देवी देवताओं हैं, हमारे मिथोलॉजी के हिसाब से हमारे बाप दादाओं ने हमको जो लाइन पे सिखाया है, इसके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंस है इसका। अपने भगवान से, अपनी देवता देवी देवताओं से हम लोग ने प्रेयर किया है कि हमको बम्पर हार्वेस्ट दे, हमारे समाज का खुशहाली और प्रगति के लिए हमको आशीर्वाद दे, और यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग्स दे। इसका प्रयास यहाँ हुआ है आज सुबह। आज आपने अनसंग हीरो का भी थोड़ी सी बात की है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। अनसंग हीरो के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उनके लिए एक उन लोगों के ओनर के तौर पे हम लोग ने यहाँ एक अनसंग हीरो के लिस्ट बनाए हैं। वहाँ अगर हम चले जाएंगे तो हमको लगता है और भी अच्छा रहेगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे सोलंग सेलिब्रेशन अभी एक एनिमल सेक्रीफाइस, पूजा पाठ, फिस्टिंग के ही उसमें लिमिटेड नहीं है। अभी हम बहुत एक्टिविटीज़ यहाँ अभी ऐड किए हुए हैं, जैसे कि हम सोलंग सेलिब्रेशन थीम कई बार ड्रग एडिक्शन के ऊपर, हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर भी अटैच करके एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इस साल मौका भी आज़ादी का अमृत महोत्सव का है, तो हमने अनसंग हीरोज़ को ऑनर करने का एक प्रोग्राम बनाया है। तो ये जो अनसंग हीरोज़ है, जैसे आपको पता है, तो ब्रिटिश ज़माने में व्हेन द फ्रीडम मूवमेंट वाज माउंटिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे अरुणाचल प्रदेश में खास करके सियांग बेल्ट में जहाँ हम आदिश रहते हैं, वहाँ ब्रिटिश के साथ चार दफ़े ब्रिटिश के साथ लड़ाया हुए एंग्लो आदि वर्ड्स हुए हैं 1858, 1859, 1894 और 1911। तो उन जो एंग्लो अवर वार्स में सेक्रीफाइस हुए, जो अपने जान की कुर्बानी दी हम अपने देश के जो लैंड, पीपल एंड ऑनर ऑफ द कंट्री फॉर इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नेंस, तो उन समय जो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके, अपने लाइफ के जो बलिदान देकर, जो ब्रिटिश जमाने में ब्रिटिश अंग्रेज जी के जो फोर्स के साथ जो लड़ाई में जो अपने जान दे दी, उन लोगों के लिए हम लोगों ने उन लोगों का नाम ऑनर करने का इस बार मुहिम, इस बार प्रोग्राम बनाया है। तो लिस्ट ऑफ यहाँ है, अनसंग हीरोज है, तो आप देख सकते हैं यहाँ में एंग्लो अवर वॉर 1858 का यहाँ जो हमारे मार्टर्स है उन लोग का नाम है, 1859 के जो अनसंग हीरोज है उन लोग के नाम है, और 1894 के कई सारे जो नाम से मार्टर्स है जो अनसंग है, फिर भी हम लोग ने ऑनर किया है। इस मौके को हम गवा के और कहीं और उसको ऑनर करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। वुमेन रिकॉग्नाइज करो या ना करो, हम अपने कम्युनिटी के जो इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जान की कुर्बानी दी, उनको ऑनर करेंगे करके। और यहाँ देखिए एंग्लो अवर वॉर 1911 एंड 12 में जिन लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी, उन लोगों का नाम भी है। तो बहुत अच्छा, हम समझते हैं इस बार हम लोग ने प्रोग्राम बनाया है अनसंग हीरोज को ऑनर करना, हमारे ही आदि समाज के नहीं, पूरे अरुणाचल के और पूरे भारत भर के जितना लोग हैं उन लोग का भी एक कर्तव्य बनता है। तो दे मस्ट बी ऑनर्ड एंड देयर सेक्रीफाइस, सुप्रीम सेक्रीफाइस, जितना भी जो बलिदान उन लोग ने दिया है, जो कंटेम्प्रेरी फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, उन लोग से कम नहीं है, उन लोग से कम आका नहीं जाना चाहिए। और अगर हम ऑनर करेंगे, अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हमारे राज्य के लिए बहुत गर्व की बात होगी, हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य के लिए और देश के लिए बहुत गर्व की बात होगी। इसलिए हम लोगों ने इस बार सोलंग सेलिब्रेशन के साथ साथ अनसंग हीरोज को ऑनर करने का एक प्रोग्राम भी रखा है। नहीं, ये ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है। जैसे देखिए सियांग, जो हमारे सियांग है उसमें दो पावर एग्जिस्ट है, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। जो राइट बैंक है वहाँ एक सोसाइटी
डेडिकेटेडली अनसंग हीरोज को ऑनर करने का जो काम कर रहे हैं वो 10-15-20 साल से काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ भी टेकअप कर रहे हैं। वहाँ जितना रिसर्च करना है ग्राउंड लेवल में करके जो नाम जो निकला है और राइट बैंक में 1894 के जो सीरीज ऑफ वर्ड्स हुआ है वहाँ भी नाम निकला है और ये पब्लिक डोमेन में है लिस्ट। इसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक कोर कमिटी बनाया है रिसर्च कमिटी अनसंग हीरोज को कमिटी ऑन अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो कमिटी में भी हम लोगों ने सबमिट किया है, कई स्टेजेस से पार होकर के आया है। तो वहाँ जो नाम अभी तक नहीं आया एक्चुअली जो नाम है यहाँ दैट इज सब्जेक्ट टू करेक्शन एंड एडिशन ऑन फर्दर रिसर्च, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन का जगह नहीं है, सवाल नहीं है। इसमें जो नहीं है जो आज तक का जो जो स्थिरता से वो यहाँ लिखा हुआ है, आज के बाद जितना नाम आएगा वो आ जाएगा, इसमें नो प्रॉब्लम है।